नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पराठा एक ट्विस्ट के साथ में और मसाला टमाटर और मसाला मिर्ची। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जैसे मेथी है, इसको मैंने धो के साफ करके और अच्छा बारीक चॉप कर लिया है। गाजर को किस लिया है, आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, मटर को हम क्रश करेंगे और आप जो भी सब्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी पराठा बनेगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने मटर कच्ची ली है जिसको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। इसके साथ में मैंने हरी मिर्ची है, लहसुन है और अदरक है। ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी पराठा बनता है। आप बच्चों का सा बना के खिलाइए और लगता भी बहुत टेस्टी है, हेल्दी के साथ में टेस्टी भी है। अब इसको हम क्रश करते हैं। देखिए मैंने मटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सबको ऐसा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, ऐसा पीसना है दरदरा सा, क्योंकि ये सब सब्जियाँ भी कच्ची है तो इसके साथ में मिक्स हो जाएगा ये तो अच्छा लगेगा। अब हम इन सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं सबको और फिर इसमें हम मसाला मिलाते हैं। देखिए हमने सब सब्जियाँ मिला ली है इसको, इसमें अब इसमें हम मसाला मिलाते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हमने हरी मिर्ची डाली है तो आप लाल मिर्ची देख कर ही डालें। धनिया पाउडर 2 टीस्पून के करीब और हल्दी पाउडर। हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मिलाएंगे, नहीं तो उसका न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म हो जाता है। अभी नमक हम नहीं मिलाएंगे, इसमें इतना ही मिलाएंगे। चाहे तो आप चाट मसाला मिला सकते हो, थोड़ा सा चाट मसाला खाना पसंद करते हैं। मैं 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला भी मिला रही हूँ, ये अच्छा लगता है। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें कच्ची सब्जियां भी है तो ये पानी छोड़ सकती है। और आलू को भी आप इतना ही बॉईल करें कि बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करें, सिर्फ एक कुकर में लगा के सीटी, एक सीटी भी आने वाली रहे जब ही बंद कर दें और थोड़ी देर इसको फ्रिज में करके ठंडा करें तो उससे क्या आलू भी बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होते हैं। पर ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं पर बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये मसाला बन गया है, अब हम आटा लगाते हैं। मैंने ये सिल्वर कॉइन का मल्टीग्रेन आटा लिया है, अब इस आटे को हम लगाते हैं, इसके पराठे बनाएंगे। देखिए मैंने आटे को छान लिया है, इसमें अब हम नमक डालते हैं। जरूर नहीं है कि आप मल्टीग्रेन आटा ही लें, सादे गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं या फिर आप 2-3 तरह का, अपने घर में रहते ही अभी ठंड के टाइम है तो बाजरा, ज्वार, मक्का, बेसन कुछ भी मिला सकते हैं आप। आज मैं मल्टीग्रेन आटे का ही बना रही हूँ पराठा। इसको पानी डाल के अच्छी तरह से आटे को लगाते हैं। रोटी का आटा लगाते हैं, पराठे का आटा लगाते हैं, वैसे ही लगाना है हमको इसका आटा भी। देखिए मैंने आटे को लगा लिया है, एकदम ऐसा सॉफ्ट आटा है लगा हुआ है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके साथ इन पराठों के साथ हम खाएंगे क्या, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ टमाटर मसाला। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको ऐसा बड़ा बड़ा ही आपको लंबा लंबा ही चॉप करना है। चलिए बनाते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा सा ऑयल हम ज़्यादा ही डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और ये मेन पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी जाती है। उसके साथ में एक हम बनाएंगे मसाला मिर्ची। तो पहले हम ये सब्जी बनाते हैं। थोड़े से राई के दाने, राई के दाने को चटकने देते हैं। हाफ टी स्पून के करीब जीरा और इसके साथ में हम लहसुन डाल देंगे। अभी ठंड है तो गार्लिक तो बहुत ही अच्छा लगता है सब्जियों में। गार्लिक को हम अच्छी तरह से हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब इसके साथ में ही हम मैं डालूंगी
ये पीनट्स है, मूंगफली के दाने, ये सब्जी में बहुत ही अच्छे जाते हैं। और इसमें लहसुन के साथ में ये गार्लिक के साथ में अच्छी तरह से सिक भी जाएंगे। कच्चे ही मूंगफली के दाने हैं, मैंने सेके नहीं है, इसके साथ में अच्छे तरह से सिक जाएंगे ये। बिल्कुल मध्यम आंच पर ही इसको हमको भूनना है। देखिए इसमें गार्लिक भी ब्राउन हो गई है और दाने भी सिक गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। जैसे हरा धनिया डालते हैं तो इसमें लाल टमाटर और हरा धनिया के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और तो सब्जी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, ऐसे ही टमाटर लंबे लंबे काटे हैं आप वो डालें। इसमें हम मसाले डालते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और इसको पकने तक अच्छी तरह से टमाटर गल जाए जब तक इसको पकाते हैं। अब हम बनाएंगे मसाला मिर्ची, ये भी बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ में, बहुत अच्छी जाती है, आप किसी भी बना के भी रख सकते हैं। इसमें हम मैंने ये नमक लिया है स्वाद अनुसार नमक, ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, अमचूर पाउडर है और ये सौंफ है। अभी सबको हम मिला के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, ये हींग भी डाल देते हैं साथ में और इसको अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं सब मसालों को। सौंफ इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, सौंफ और हींग अमचूर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ठंड में बना के रख सकते हैं, मक्का की रोटी, सरसों के साग वगैरह बनाएं उसके साथ में बहुत अच्छी जाती है। फ्रिज में रख के आराम से 8 दिन तक चलती है। अब इसको हम पीसते हैं। देखिए हमने मसाला पीस लिया है, इसको दरदरा ही पीसना है, एकदम फाइन ही पीसना है। अच्छा पूरा एकदम मिक्स हो गया है। अब इसको हम ये मेरे मिर्ची को पहले ही से ही जीरा लगा के रखा है, इसमें हम अभी ये भरते हैं। ये बहुत ही अच्छी जाती है, इसमें आप अमचूर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस भी। इसको हम पूरी को भरते हैं। अच्छी तरह से ही इसको अच्छी तरह से भरे। देखिए टमाटर भी अच्छी तरह पक गए हैं, इनको हमको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें हमने जो पीनट्स डाले हैं वो तो मुंह में जब आते हैं तो बहुत ही शानदार लगते हैं। देखिए पक गए हैं पूरे टमाटर अच्छी तरह से, कच्चे नहीं हैं। अब इसको हम फिनिश करते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं इसमें और गैस को बंद करते हैं। 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसको गर्म कर लिया है। अब इसको हम एक एक मिर्ची को इसमें बिल्कुल फ्लेम को स्लो ही रखना है आपको, ताकि मिर्ची जले भी नहीं और मिर्ची सिक जाएगी। अब इसमें हमने जो मसाला बचा हुआ है इसका वो भी डालेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है। ये मसाला बचा हुआ है, ये थोड़ा सा मिर्ची पक जाए। इसमें हम हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे ताकि मिर्ची पक भी जाएगी। इसको हम ढक देते हैं। देखिए मिर्ची को चेक करते हैं, बस हमको इतना ही पकाना है इसको। और इसमें हम ये जो मसाला बनाया है बचा हुआ है इसको भी हम डाल के और बस 2 सेकेंड के लिए गैस पर भूनेंगे ताकि इसका मसाले का कच्चापन पूरा ख़त्म हो जाए और मिर्ची पूरे मसाला इसमें अच्छी तरह से लपट जाए। इसको फ्लेम को हम बंद करते हैं। देखिए आटे को भी रेस्ट मिल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको एक बार अच्छी तरह से और मिक्स करते हैं। और फिर इसकी लोई बनाते हैं।
देखिए मैंने आटे की सब लोइयां बना ली है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। और जो हमने मसाले बनाया था उसमें हमने नमक नहीं मिलाया था। नमक इसलिए नहीं मिलाया था कि सब कच्ची सब्जियां हैं तो पानी छोड़ देगी। तो आप एक एक पराठा बनाते जाइए और उसमें अपना स्वाद अनुसार नमक मिलाते जाइए और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, क्योंकि क्या पानी छोड़ देता है ये और फिर वो पराठे आपके फूटते हैं। इसको हम साइड में रखते हैं और पराठे को बेलना शुरू करते हैं। सूखा आटा इस पर डस्ट कर लिया है। पराठा बहुत ही हेल्दी रहता है, आप एक बार जरूर बनाइए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी हम इसमें ये मसाला डालते हैं। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं अपनी पसंद की, और बच्चे सब्जियां खाने में बहुत नखरे करते हैं तो इस तरह से आप उनको पराठा बना के देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं। मल्टीग्रेन आटा भी पता नहीं चलेगा सब्जियों के साथ में और हेल्दी एक डिश बनकर तैयार होती है। देखिए कितना बढ़िया बन गया है, एकदम ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल पराठा। अब इसको हम पहले थोड़ा हाथ से दबा दबा कर सब दूर एक जैसा इसका मसाला स्प्रेड हो जाएगा। डायरेक्ट बेलना स्टार्ट नहीं करें और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है हमको, क्योंकि बहुत जल्दी ये फटना शुरू हो जाता है। देखिए पराठा बेल गया है, मैंने तो इसको मोटा ही बेला है क्योंकि मोटा ही बनेगा। इसको अब हम तवे पर डालते हैं। तवे को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब इसको मध्यम आंच पर अच्छा बढ़िया कुरकुरा होने तक इसको हम सेकेंगे। देखिए इसको पराठे को हम पलटते हैं। अब इसके साइड से घी लगाएंगे, तेल घी कुछ भी लगा सकते हैं, मैं तो ऑयल लगा रही हूँ। बटर से भी आप सेकना चाहें तो बटर से भी सेक सकते हैं। इसको अच्छी तरह से सेकते हैं, जैसे भी आप खाना चाहते हैं। यदि सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट सेकिए, अच्छा नहीं तो बढ़िया कुरकुरा खाते हैं तो कुरकुरा सेकिए। पराठे को पलटते हैं, इस साइड से सिक गया है, इस साइड से देखते हैं सिका कि नहीं सिका। देखिए इस साइड से भी बहुत अच्छा सिक गया है, बिल्कुल भी कहीं से कच्चा नहीं है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा भी डालती हूँ। देखिए बनकर तैयार है फुल मील मिक्स वेज पराठा, टमाटर मसाला और मसाला मिर्ची। और देखिए कितना बढ़िया बना है पराठा, आप देखिए सब सब्जियां एकदम कलरफुल है। और अभी तो ठंड में सब सब्जियां आ रही है, आप बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। We'll be right back.